संभाग स्तरीय बूथ समिति सम्मेलन में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत महामाला पहनाकर व पुष्प देकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने सबसे पहले सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को रायपुर में प्रदेश के शक्ति केंद्र संयोजक का सम्मेलन आयोजित था। चुनाव बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है, परिणाम बूथ पर आते हैं। ये कार्यकर्ता हनुमान जी हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके साथ हैं। बूथ कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए कहा कि बूथ कार्यकर्ता जाग जाए तो 10 बार लंका में आग लगा के आ सकता है। यही कारण है 3 बार सरकार में रहकर प्रदेश का नवनिर्माण, तीसरा कारण आप जैसे कार्यकर्ताओं की फौज, चौथा कारण विपक्ष का मुखिया जो पहले ही सीडी बनाने जैसे मामलों में उसका घिनौना चेहरा सामने आ गया है। जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा में अमित शाह जी का अभूतपूर्व स्वागत, वो आज भी उन्हें याद है। 65 के टारगेट का लक्ष्य हम पूरा कर देंगे। विकास बताने की जरूरत नहीं है। गांव गरीब किसान के लिए कई योजनाएं हमारी सरकार ने लाई है। मित्रों, ये पिछड़ेपन को मिटाने का काम रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ भूखमरी का हक माना जाता था, नक्सलवादियों का हक माना जाता था, निरक्षरता का हक माना जाता था, अंधेरे का हक माना जाता था, सूखी खेती का हक माना जाता था, उसकी जगह छत्तीसगढ़ आज पावर सरप्लस स्टेट है। पावर और उससे आधा में रेट की कटौती, गरीब को 40 यूनिट से ज्यादा 40 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली देने का काम किया और अंत्योदय की दिशा में एक अच्छा कदम उठा है। 1 रुपया किलो चावल और निशुल्क नमक देश भर में घर घर में अगर कहीं पहुंचता है तो मेरा छत्तीसगढ़ अकेला और राज्य मनरेगा के अंदर